जब टेस्टिमनी खराब होती है तो क्या होता है। हर बंदा अपनी लाइफ में किसी ना किसी रीति से टेस्टिमनी दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एक यूथ अपनी दुकान पर बैठा है और ब्लू फिल्म देख रहा है और गलत कामों में है और शराब पी रहा है और पापों में है, उसकी टेस्टिमनी खराब हो चुकी, जब वो अपने दोस्तों को क्या बताएगा, क्या जीसस के बारे में बताएगा कि परमेश्वर नशों से आजाद करता है, वो पापों से, वो तो खुद नशों में और पापों में है, वो खुद चुगलियां कर रहा है, वो खुद जेलसी कर रहे हैं पास्टर्स भी, तो कैसे वो बताएंगे लोगों को। टेस्टिमनी खराब हो चुकी। जब टेस्टिमनी खराब होती है तो क्या होता है, जब टेस्टिमनी खराब होती है आपके पास हथियारों की कमी होती है। लेकिन जब आप हथियार आपको यूज करना आ गया कि ये है एक हथियार है सुसमाचार की तैयारी के जूते की, एवरी टाइम मुझे रेडी रहना है। हो सकता है आप फोन पे अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हो और सडनली परमेश्वर का आत्मा बोले इसको टेस्टिमनी दे, घुमा फिरा के बात को उधर लेके जा। कोई शारीरिक शराबी होना, कोई आप जो मेरे दोस्त होते थे जब हम बैठते थे, ओ यार काम बहुत वधिया, चलो चलिए आज दो पैगल, चलो यार आज काम बहुत माड़ा है, चलो आओ आज स्ट्रेस रिलीज करने चले, आज खुशी मनाने, तो जिसने पीनी है उसने बहाना बनाना है। तो एक संसारिक, एक पापी, एक गिरा हुआ व्यक्ति बहाने से वहीं पहुंच सकता है जहां उसे जाना है, तो आत्मिक लोग की बुद्धि कहां मरी हुई है, वो क्यों नहीं करते, वो क्यों डरते हैं कि वो क्या सोचेगा। आज लोग नंगे होके इंटरनेट के ऊपर नाच रहे हैं, वो नहीं सोचते, लेकिन तुम धर्मी सोचते हो कि मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा बॉस क्या सोचेगा, मेरा स्टाफ क्या सोचेगा, मेरा मोहल्ले वाला क्या सोचेगा। और इसीलिए जब हथियारों की कमी है तो डेवल आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। आप इमेजिन, आप ये बात सोच के रखना कि जब आप प्रीच करते हैं, दिस इज अ वेपन अगेंस्ट डीमन डेवल, जो आपकी लाइफ में डेवल शैतान काम कर रहा है, ये उस आप टेस्टिमनी तो किसी और को, परमेश्वर की किसी और चीज की दे रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप उस डेवल को काट रहे हो जो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक कर रहा है। हालेलुया। तो इस बात को आप बड़े ध्यान से आपको समझना है कि आप मान लीजिए आपका दोस्त बात कर रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, आपके माइंड में है कि मुझे घूम फिर कर इसको ये टेस्टिमनी देनी है, तो आपके अंदर अगर परमेश्वर के लिए प्यार होगा तो आप घूम फिर के आ जाओगे उसी चीज के ऊपर बड़ी आसानी के साथ। और वो एक वेपन है किसके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के डेवल के लिए जो आप पे अटैक कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं वो गवाही के वचन के कारण और मेमने के लहू के कारण शैतान के ऊपर फतेहमंद हुए, कि गवाही का वचन, मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं अपने अपने भाई को, अपनी दुकानदार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को, ये मेरी लाइफ के ऊपर काम कर रहा है जब मैं गवाही दे रहा हूं। जब उस छोटी लड़की ने नमान को टेस्टिमनी दी कि अगर नमान मालकिन, अगर मालिक मेरे देश में होता तो भविष्यद्वक्ता उस पर हाथ रखता और वो चंगा हो जाता। टेस्टिमनी, उसने ये नहीं देखा कि मैं खुद बंधुआई में हूं। और आपको क्या लगता है कि जब नमान हील होके वापस आया, उस लड़की को उसने बंधुआई में रखा होगा क्या, उसको सोने और चांदी और बड़े बड़े वरदानों के साथ भेजकर उसे नहीं भेजा होगा, क्योंकि बाइबल कहती वो बड़ा प्रतिष्ठित था, राजा की जीत में शामिल था। परंतु जब परंतु लग जाता है तो सारी लाइफ मिट्टी हो जाती है, कि बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है जी, बड़ा ईमानदार है, बड़ा पैसे वाला है, परंतु नशेड़ी है। परंतु मतलब खत्म हो गया, जो पहले बोला था वो फिनिश हो गया, तो उसकी लाइफ को डेवल ने फिनिश करके रखा था। लेकिन जब उस लड़की ने गवाही दी तो उसकी लाइफ भी बचाई गई और लड़की की लाइफ भी ब्लेस्ड हुई और छूटी बंधनों से। तो ये एक वेपन है, ये एक हथियार है टेस्टिमनी को देना। तो टेस्टिमनी सबके पास है, आपके पास अपनी नहीं है, चर्च में किसी की दे दो, वो ओरिजिनल है, वो फेक नहीं है। ये प्रोफेटिक फेक प्रोफेटिक चर्च नहीं है जहां पर लोगों के डाटास देके प्रोफेटिक किया जाए। आप चर्च की टेस्टिमनीज दे सकते हो बोल्डली, एड्रेस वहां लिखे हुए हैं लोगों के, आप लोगों को बता सकते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की भलाई के बारे में, जो आपने एक्सपीरियंस किया। और आप फिर क्या देखेंगे कि परमेश्वर का जो रूह है वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ के जो अटैक हैं जो शैतान कर रहा था वो फिनिश हो रहे हैं। हालेलुया। और यही बातें हमें समझने की जरूरत है।
और जब हम इन बातों को समझ जाएंगे कि हमारे मन में हम एक सिस्टम फिट कर लेंगे कि आई हैव टू गिव टेस्टिमनी, आज मुझे किसी ना किसी को गवाही देनी है, ये मेरा वेपन है। गवाही तुम उसको दोगे किसी और चीज की, लेकिन इनसाइड अपनी लाइफ में तुम डेवल के ऊपर अटैक कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह हथियार है और इसे बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। हालेलुया। ऐसी ही और रोजाना वचन जीसस शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल जीसस कलाम को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।